के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। मान लीजिए हमारे पास ये डबल स्लिट है, ये डबल स्लिट है, ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं। यहाँ पर एक सोर्स S है, सोर्स S से लाइट आ रही है जो डबल स्लिट के ऊपर इंसिडेंट करेगी, और इसके बाद डबल स्लिट के बाद जब लाइट निकलेगी तो ये दो कोहेरेंट सोर्सेज का रोल प्ले कर जाएंगी दोनों स्लिट्स। यहाँ पर एक स्क्रीन रखती, जो इंटरफेरेंस पैटर्न है दैट विल बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन। ये डबल स्लिट आ गई और ये आ गई स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ से भी वेव फ्रंट निकलेंगे और यहाँ से भी वेव फ्रंट निकलेंगे, वो आपस में इंटरफेरेंस होगी उनकी, और अल्टीमेटली ऑन द स्क्रीन देयर विल बी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अपीयर ऑन द स्क्रीन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज एज वेल एज ऑफ डार्क फ्रिंज। ब्राइट और डार्क फ्रिंज की विड्थ फाइंड आउट करनी है कि कितनी विड्थ की फ्रिंजेस बनती हैं। ब्राइट फ्रिंज की क्या विड्थ होगी, डार्क फ्रिंज की क्या विड्थ होगी। अब जो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, दीज डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस ऑफ बिटवीन द पाथ डिफरेंस एज वेल एज ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट कमिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। यहाँ से आने वाली लाइट और यहाँ से आने वाली लाइट के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक वेव है, ये एक वेव चल रही है, ये दूसरी वेव है, दूसरे सोर्स से दूसरी वेव आ गई, ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी। अब अगर इसका मतलब ये हुआ ये वेव यहाँ से चली, ये वेव यहाँ से चली, दोनों के बीच में इस पॉइंट के किसी भी पॉइंट के ऊपर देखो, अगर इस पॉइंट के ऊपर देखता हूँ तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस ज़ीरो है, क्योंकि जितना पाथ इसने ट्रैवल किया उतना ही पाथ इसने ट्रैवल किया, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस ज़ीरो है। तो एक की क्रेस्ट दूसरी की क्रेस्ट के ऊपर पड़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी ब्राइट फ्रिंज अपीयर होगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए एक वेव हमारी ये आ रही है और दूसरी वेव थोड़ा पीछे से चल रही है, जैसे मान लीजिए इस तरह से आ रही है, लाइक दिस, इस तरह से आ रही है। अब इसका मतलब ये जो वेव आई हमारे पास इतना पाथ पहले ही ट्रैवल करके आ रही है, तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है इतना पाथ ये ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है इससे पहले, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस लैम्डा थी, तो ये पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास लैम्डा बाई टू। तो इन दोनों के बीच में जो है वो लैम्डा बाई टू है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जब ये वेव इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगी तो अल्टीमेटली किसी भी पॉइंट को देखें, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें तो इसकी ट्रफ पड़ेगी इस पॉइंट के ऊपर और इसकी क्रेस्ट पड़ेगी। सिमिलरली इसकी यहाँ पर क्रेस्ट होगी और यहाँ पर ट्रफ पड़ेगी, तो अल्टीमेटली जब क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर पड़ती है तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, ये सिचुएशन बन जाएगी। एक की क्रेस्ट जो है वो दूसरे की ट्रफ के ऊपर पड़ रही है, तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू हो गया, तो इस केस में एक की क्रेस्ट दूसरी की ट्रफ के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सिमिलरली अगर यही वेव पहले से इस तरह से इतना पाथ ट्रेवल करके आती है, देखिएगा इसको समझना,
अगर ये इतना पाथ ट्रेवल करके आती है तो इसका मतलब दोबारा यहाँ पर कौन सी होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसका मतलब ये हो गया यहाँ से पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। तो यानी कि जब पाथ डिफरेंस जीरो था तब भी कंस्ट्रक्टिव हुई, जब लैम्डा हुआ तब भी कंस्ट्रक्टिव हुई, जब 2 लैम्डा होगा तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इससे पहले हम कंडीशन फाइंड आउट कर चुके हैं इस तरह की कि जब एन लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा पाथ डिफरेंस तो उस केस में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सिमिलरली अगर ये वेव अगेन इतना पाथ ट्रेवल करके आती है पीछे से, यानी इन दोनों वेव्स में अब पाथ डिफरेंस हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक लैम्डा, या यूँ बोल दो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लैम्डा बाई टू यानी कि 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। अब जो पाथ डिफरेंस हो गया वो 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। तो इस केस में भी हमारे पास अब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ेगी तो अल्टीमेटली यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो यहाँ पर हमारे पास यानी इंटेंसिटी मिनिमम होगी, इन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो मिनिमा अपीयर होगी इन पॉइंट्स के ऊपर, मिनिमाज आएगी और इन पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाज आएगी। तो मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो अबटेन होंगी, कहने का मतलब स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी अपीयर होगी लाइट की। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे मान लो एक वेव यहाँ से आ रही है इस पॉइंट के ऊपर, या कोई पॉइंट मैंने इधर ले लिया, जैसे यहाँ पर लेता हूँ बिल्कुल सेंटर में दोनों के, तो ये वेव आ रही है हमारे पास, तो अल्टीमेटली इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से भी वेव चलेगी, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, दोनों वेव्स इक्वल पाथ ट्रैवल कर रही हैं, बराबर पाथ ट्रैवल कर रही हैं। तो बराबर पाथ ट्रैवल हो रहा है तो इसका मतलब एक की क्रेस्ट है दूसरे की क्रेस्ट के ऊपर पड़ेगी या फिर ट्रफ ट्रफ के ऊपर पड़ेगी। लेकिन जब ये पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया तो इसके ऊपर जैसे ये वेव चल रही है लाइक दिस, अब यहाँ से दूसरी वेव ये भी आएगी, इसमें से भी पहुँचेगी यहाँ पर आकर के, तो यहाँ से जो लाइट वेव आ रही है वो इस तरह से आ रही है लाइक दिस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि ये पाथ कम है और ये पाथ ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ देखिएगा, तो अल्टीमेटली ये पाथ हमारे पास अब बराबर आ गए ये, क्योंकि इतना पाथ यहाँ से इतना पाथ ये एक्स्ट्रा ट्रेवल करके आ रही है। अगर मैं इस पाथ को देखूँ तो ये पाथ बन रहा है लैम्डा, अगर लैम्डा का पाथ ट्रेवल करके एक्स्ट्रा पाथ इसने लैम्डा ट्रेवल किया तो अल्टीमेटली यहाँ पर आकर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट इंसिडेंट करेगी। और अगर ये लैम्डा बाई टू करती एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आती, तो क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ती तो यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होती। लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर लैम्डा पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करके आ रही है तो अल्टीमेटली हमारे पास क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट या फिर ट्रफ के ऊपर ट्रफ पड़ेगी इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब जैसे ही इनके, अब जैसे यहाँ पर पाथ का डिफरेंस कुछ ये है, अगर मैं यही पॉइंट ये यहाँ ले लेता हूँ तो इन दोनों वेव्स में यहाँ से आने वाली वेव और यहाँ से आने वाली वेव्स में पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर पाथ कुछ और हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम स्क्रीन से ऊपर या नीचे की तरफ चलते हैं वैसे ही जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों वेव्स के बीच में, जो इस सोर्स से और इस सोर्स से जो लाइट वेव्स निकल रही हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो चेंज होता जा रहा है, और अल्टीमेटली जैसे ही पाथ डिफरेंस चेंज होगा इंटेंसिटी जो है लाइट की वो भी चेंज होती जाएगी। तो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो दोनों इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही हैं, तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस जीरो है, तो सेंटर के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। तो सेंट्रल मैक्सिमम विल बी ब्राइट मैक्सिमम, कहने का मतलब सेंट्रल में जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, यानी कि ब्राइट फ्रिंज आएगी, डार्क फ्रिंज नहीं आएगी सेंटर में, सेंटर में हमारे पास ब्राइट फ्रिंज आएगी जब भी इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। तो जब मोनोक्रोमैटिक, दिस इज मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, जब मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इंसिडेंट करेगी डबल स्लिट के ऊपर, देन इंटरफेरेंस पैटर्न विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। व्हेन लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज अलाउड टू फॉल ऑन डबल स्लिट देन इंटरफेरेंस पैटर्न विल अपीयर ऑन द स्क्रीन।
तो इसके ऊपर जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न अपीयर होगा। यंग्स डबल स्लिट में एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था कि इसके बीच में तो आ गई हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम, इसके साइड वाइज दोबारा कौन सी आएगी, मिनिमम, क्योंकि लैम्डा बाई टू हो जाएगा, आगे फिर मैक्सिमम आएगी, उसके बाद फिर आगे मिनिमम आएगी। इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा अपीयर होंगी स्क्रीन के ऊपर, नीचे भी मिनिमा, फिर उसके बाद मैक्सिमा, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, तो मैक्सिमा और मिनिमा अपीयर होंगी ऑन द स्क्रीन। दिस इज इंटरफेरेंस पैटर्न। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द फ्रिंज। ये फ्रिंजिस बनी हमारे पास, ब्राइट और डार्क फ्रिंजिस स्क्रीन के ऊपर बनेंगी, और इसकी अब हमने विड्थ कैलकुलेट करनी है। तो ये इसकी थ्योरी थी जो कि अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी थी। नाउ लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। अब हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे फ्रिंज विड्थ के लिए। मान लीजिए ये हमारे पास डबल स्लिट है, और ये आ गई स्क्रीन, ये सोर्स S1 और ये आ गया सोर्स S2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेंट्रल पॉइंट यहां पर। अब क्योंकि एट सेंटर देयर विल बी मैक्सिमम, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके, सपोज कोई पॉइंट P हमने यहां पर ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर अब मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब यहां से एक वेव S1 से एक वेव यहां पर पहुंच रही है P के ऊपर, और S2 से भी एक वेव यहां पर पहुंच रही है। अब इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी ये डिपेंड करेगी जो इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस होगा, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी अब यहाँ पोजीशन ऑफ मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। नाउ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव coming from S1 and S2, that is delta x is equal to, अगर मैं path difference को represent करता हूँ delta x से, तो delta x is equal to, ये इसका path है S2P और इसका path है S1P, तो S2P minus S1P। अब ये हमने path difference calculate करना है। मैंने क्या किया, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इसके ऊपर S1N। अब क्योंकि NP और S1P अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गए, तो इसका मतलब फाइनली अगर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, जब मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है, तो S1P और एन पी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पाथ बच गए। तो इसका मतलब हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है, ये एक्स्ट्रा पाथ कितना ट्रेवल करके आ रही है, एस टू एन, यानी कि एस टू पी माइनस एस वन पी मस्ट बी इक्वल टू एस टू एन। अब मुझे कैलकुलेट करनी है एस टू एन की वैल्यू, ठीक है। सपोज इन दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि विड्थ जो है स्लिट की, दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, और डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट एंड स्क्रीन, ये डबल स्लिट थी और ये स्क्रीन है, इसके बीच में हमने डिस्टेंस ले ली कैपिटल डी, ठीक है। अब पी कोई पॉइंट जो है वो सेंट्रल पॉइंट से किसी डिस्टेंस एक्स के ऊपर है, ये किसी डिस्टेंस एक्स के ऊपर ले लिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए ये जो वेव है, ये किसी एंगल, अगर मैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये किसी एंगल थीटा के ऊपर डेविएट हो रही है, मतलब थीटा के ऊपर आ गया पॉइंट, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा आ जाएगा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। अब मुझे निकालनी है
एस टू एन की वैल्यू। अब एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है एस वन एन एस टू। नाउ फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल एस वन एस टू एंड एन, मुझे निकालनी है एस टू एन की वैल्यू और इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है, एस वन एस टू की वैल्यू गिवन है। नाउ एस टू एन अपॉन एस वन एस टू इज इक्वल टू, अगर इसको देखें तो हमारे पास ये बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया और ये हाइपोटेन्यूज आ गया, विच इज इक्वल टू साइन थीटा। और एस टू एन इज इक्वल टू एस वन एस टू साइन थीटा, और दिस कैन बी रिटन एज एस टू एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डी साइन थीटा, यानी कि एस टू एन जो था वो पाथ डिफरेंस था, यानी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब अगर मैं ये जो मिड पॉइंट है इसका, इसको भी अगर मैं इधर मिलाता हूँ तो ये एंगल भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली थीटा आ जाएगा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये मिड पॉइंट था इसका। तो मिड पॉइंट को भी अगर मैं इधर मिलाता हूँ, क्योंकि ये इतनी स्मॉल डिस्टेंस है, दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो अगर मैं इस पॉइंट को भी इधर मिलाता हूँ तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। नाउ क्लियरली फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी, और इस पॉइंट को ये मान लो एम मान लो, ओ पी एम में से अगर हम देखें तो साइन थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एज थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसको मैं टेंजेंट थीटा की अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू स्मॉल है। ठीक है, तो देन देयरफॉर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी टेंजेंट थीटा, डी टेंजेंट थीटा। अब इस ट्राइंगल में से अगर मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो इस ट्राइंगल में से टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई डी, ये डिस्टेंस एक्स थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्राइंगल में से निकाल लो तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी इंटू एक्स बाई डी, बिकॉज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई डी। ये आ गई हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू, दिस इज द पाथ डिफरेंस, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया इन दोनों वेव्स के बीच में जो एस वन और एस टू से किसी पॉइंट पी के ऊपर पहुंच रही हैं। तो ये आ गया हमारे पास पाथ डिफरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो, या ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो बनेंगी वो डिपेंड करेंगी इस पाथ डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी। ठीक है, अब क्योंकि नाउ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, क्या कंडीशन थी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस कहां पर अपीयर होंगी, मतलब स्क्रीन के ऊपर जो ब्राइट फ्रिंजेस होगी वो कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आएगी, तो इसका मतलब फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, यानी पाथ डिफरेंस आया हमारे पास, पाथ डिफरेंस जो है वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास कितना एक्स डी बाई डी, इसका मतलब एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा और एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, एन लैम्डा डी बाई डी, तो दिस इज द पोजिशन ऑफ एक्स, मीन्स एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, जहां भी ये पॉइंट पी आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट मैं यहां भी ले सकता हूं, ये पॉइंट यहां भी ले सकता हूं, ये पॉइंट यहां भी, कहीं भी हो सकता है स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, तो ये पहली फ्रिंज हो सकती है, दूसरी आ सकती है, तीसरी आ सकती है, चौथी आ सकती है, पांचवी आ सकती है, इस तरह से पी पॉइंट कहीं भी लिया जा सकता है, इधर लिया जा सकता है, इधर है, इधर है, इधर है, कहाँ हम इसको कंसीडर कर रहे हैं,
तो मेन चीज़ है कि पॉइंट पी की पोजीशन हम कहाँ पर ले रहे हैं। तो एक्स एन इज इक्वल टू, इसका मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ द nth फ्रिंज। कौन सी फ्रिंज की है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो n लैम्डा, तो इसका मतलब x1 पहली फ्रिंज कहाँ पर आएगी, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लैम्डा d बाई डी, दिस इज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। x2, n की वैल्यू 2 रख दें तो 2 लैम्डा d बाई डी। x3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा d बाई डी, सो ऑन। सिमिलरली xn इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी, यानी पहली ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर अपीयर होगी, दूसरी ब्राइट फ्रिंज 2 लैम्डा d बाई डी के ऊपर होगी जो हमारी स्क्रीन है, और जो सेंट्रल मैक्सिमम है जब xn की वैल्यू 0 होगी, when n इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0, x 0 इज इक्वल टू 0। तो x जो ली थी हमने कहाँ से डिस्टेंस ली थी, यहाँ से डिस्टेंस ली थी पॉइंट O से। तो पॉइंट O से अगर हमने डिस्टेंस ली यहाँ पर, तो इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमम है 0 के ऊपर, जो यानी 0 डिस्टेंस का मतलब इस स्क्रीन के इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, जो स्लिट के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट के ऊपर है, तो यहाँ पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज अपीयर होगी, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज आएगी। तो अगर ब्राइट फ्रिंज है तो इसका मतलब जीरो डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि सेंट्रल पॉइंट के ऊपर तो हमारे पास मैक्सिमम आएगी, और इसके इधर जो है वो मैक्सिमा और मिनिमा अपीयर होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब पहली मैक्सिमम आएगी हमारे पास लैम्डा डी बाई डी के ऊपर, जब एक्स की वैल्यू लैम्डा डी बाई डी हो जाएगी तो पहली मैक्सिमम। x2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा d बाई डी, x3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा d बाई डी, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो पहली ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर आएगी, दूसरी ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर आएगी, तीसरी यहाँ पर आ जाएगी, इस तरह से चलती जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें डार्क फ्रिंजिस की, फॉर डार्क फ्रिंजिस, डार्क फ्रिंजिस के लिए क्या कंडीशन थी कि जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आई थी मेरे पास एक्स डी बाई डी, एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, यानी एक्स इज इक्वल टू nth के लिए अगर हम बात करें तो एक्स एन इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। अब क्योंकि ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू, नाउ फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पर आएगी, n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो x1 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, ये थी मेरे पास 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, तो ये बन जाएगा 1, अगर n की वैल्यू 1 रख दी जाए तो 2-1 लैम्डा डी बाई 2d, एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d। सिमिलरली सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ पर आएगी, n की वैल्यू फॉर सेकंड, सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए, फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 × 2 = 4-1 = 3 लैम्डा, x2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा डी बाई 2d। फॉर थर्ड, थर्ड के लिए x3 इज इक्वल टू 5 लैम्डा डी बाई 2d। फोर्थ के लिए, फॉर फोर्थ x4 इज इक्वल टू 7 लैम्डा डी बाई 2d, एंड सो ऑन। nth के लिए क्या हो जाएगा, nth के लिए, nth फॉर nth xn इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। यानी पहली डार्क फ्रिंज आएगी यहाँ पर, दूसरी डार्क फ्रिंज आएगी इस पॉइंट के ऊपर, तीसरी आएगी इस पॉइंट के ऊपर, चौथी इस पॉइंट के ऊपर, एंड सो ऑन, इस तरह से चलती जाएगी। अब मुझे निकालनी है फ्रिंज विड्थ। इसका मतलब ये हो गया जब हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, अगर ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमम है, तो इधर मिनिमम आएगी।
आगे फिर मैक्सिमम आएगी, आगे फिर मिनिमम आएगी। सिमिलरली अगर ये सेंट्रल मैक्सिमम है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, तो इसके इधर भी मिनिमम आएगी, आगे मैक्सिमम, आगे फिर मिनिमम, इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम चलती रहेगी। अब अगर मैं एक्स यहाँ पर लेता हूँ तो ये हमारे पास एक्स वन पहली पोजीशन, ये पॉइंट आ जाएगा। एक्स वन का मतलब लैम्डा डी बाई टू डी, और इसके लिए एक्स वन ये बन जाएगा, पहली ब्राइट फ्रिंज ये आई, ये जीरो के ऊपर थी तो ये पहली ब्राइट फ्रिंज है, ये पहली डार्क है, ये पहली ब्राइट है। अब ये दूसरी डार्क आ जाएगी और आगे दूसरी ब्राइट आ जाएगी। तो इनके मिड पॉइंट से, यानी कि जैसे मान लीजिए एक ये पहली ब्राइट फ्रिंज है, ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज है, इसका मतलब यहाँ से अगर मैं मिड पॉइंट देखता हूँ इनका, इनके मिड पॉइंट से डिस्टेंस ली जाएगी, जो भी डिस्टेंस ली जाएगी वो मिड पॉइंट से ली जाएगी मिनिमा और मैक्सिमा के। तो ये आ गई एक्स वन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए एक्स वन की वैल्यू ये आ गई, और दूसरी ब्राइट फ्रिंज मेरे पास यहाँ पर आ रही है तो ये डिस्टेंस आ गई एक्स टू। इसी तरह से इसके बाद फिर आगे डार्क फ्रिंज होगी, और डार्क फ्रिंज के बाद आगे फिर ब्राइट फ्रिंज आएगी। तो इसका मतलब अब ये पहली ब्राइट फ्रिंज थी, ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज है, ये तीसरी ब्राइट फ्रिंज है, तो ये एक्स थ्री, ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास एक्स थ्री। अब इस केस में मुझे अगर फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो इसका मतलब दो कंजीक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज बन रही है, और दो कंजीक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो इसका मतलब जैसे मैं एक्स थ्री में से अगर एक्स टू की को लेस कर देता हूँ तो बीच में हमारे इसकी डार्क फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी, और सिमिलरली एक्स टू से एक्स वन की वैल्यू लेस कर देता हूँ तो बीच में फिर डार्क फ्रिंज आएगी। एक्स टू फॉर डार्क फ्रिंजिस, अगर हम ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, ये पहली ब्राइट फ्रिंज है, ये दूसरी है, तो दो ब्राइट फ्रिंजिस के बीच में डार्क फ्रिंज है, तो दो ब्राइट फ्रिंजिस के बीच की डिस्टेंस को लेस कर दिया जाए तो बीच में डार्क फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। सिमिलरली ये ब्राइट, ये डार्क फ्रिंज थी, ये पहली डार्क फ्रिंज थी, तो इसके लिए डार्क फ्रिंज के लिए एक्स वन ये थी डिस्टेंस, और ये दूसरी डार्क फ्रिंज है तो एक्स टू ये डिस्टेंस आ जाएगी इसके लिए, ये तीसरी डार्क फ्रिंज है तो एक्स थ्री की वैल्यू ये आ जाएगी इसके लिए। सिमिलरली अगर मैं दो डार्क फ्रिंजिस के बीच में देखता हूँ तो एक ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो दो डार्क फ्रिंजिस की बीच की जो डिस्टेंस है उसको लेस कर दिया जाए तो बीच में ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बच जाएगी। तो हमें अब कैलकुलेट करनी है विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजिस। देन विड्थ ऑफ, चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजिस। नाउ विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजिस, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजिस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। बीटा इज इक्वल टू, या तो आप बोल दो एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि दूसरी में से पहले वाली को लेस कर दो, या फिर एक्स थ्री माइनस एक्स टू, या फिर एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, एंड सो ऑन, फाइनली एक्स एन माइनस वन, यानी विच इज इक्वल टू। अब हम अगर ब्राइट फ्रिंजिस की बात करें तो ब्राइट फ्रिंजिस में हमारे पास एक्स वन की वैल्यू लैम्डा डी बाई टू डी माइनस टू लैम्डा डी बाई डी थ्री लैम्डा डी बाई डी, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजिस आ रही थी, तो इसका मतलब दो ब्राइट फ्रिंजिस की डिस्टेंस को लेस कर दो, बीच में ये आ जाएगी। एक्स टू था हमारे पास टू लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, विच इज इक्वल टू, अगर एक्स थ्री की बात करें तो थ्री लैम्डा डी बाई डी माइनस टू लैम्डा डी बाई डी, फाइनली हमारे पास बच जाएगा लैम्डा डी बाई डी। एनथ में से भी लेस करोगे यही वैल्यू आएगी, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, दिस इज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। नाउ विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज,
ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, फिर वही बीटा इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, विच इज इक्वल टू एक्स थ्री माइनस एक्स टू, विच इज इक्वल टू एक्स फोर माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन, एक्स एन माइनस वन, और दिस कैन बी रिटन एज, अब इसके लिए वैल्यू आई थी हमारे पास, एक्स वन की वैल्यू थी लैम्डा डी बाई टू डी, थ्री लैम्डा डी बाई टू डी, फाइव लैम्डा डी बाई टू डी, एक्स थ्री की वैल्यू ये थी, इस तरह से चल रहा है। तो एक्स थ्री की वैल्यू थी हमारे पास थ्री लैम्डा डी बाई टू डी माइनस लैम्डा डी बाई टू डी, तो ये आ जाएगा थ्री विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। इसी तरह से एक्स फोर माइनस एक्स थ्री वैल्यू सेम आएगी, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, दिस इज द फ्रिंज विड्थ। इट मीन्स ऑल द फ्रिंजिज ऑफ इक्वल विड्थ, वेदर इट इज ब्राइट और डार्क। अब यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि जैसे अब क्योंकि बीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास लैम्डा डी बाई डी, इट मीन्स बीट चाहे वो ब्राइट फ्रिंज है चाहे वो डार्क फ्रिंज है, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कैपिटल डी जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब जाहिर सी बात है अगर हम डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इंक्रीज करते हैं तो बीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, और अगर हम स्मॉल डी की वैल्यू चेंज करते हैं तो बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी लैम्डा की वैल्यू, सिमिलरली लैम्डा की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो भी बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा वेदर द वेव लेंथ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाई डी एस सी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम किस तरह से फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है मोस्टली कि अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑपरेटर्स को वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इमर्ज कर देते हैं वाटर के अंदर या किसी मीडियम के अंदर इसको डाल देते हैं, हाउ द फ्रिंज विड्थ चेंजेस, तो फ्रिंज विड्थ जो है वो किस तरह से चेंज होती है अगर हम इसको जैसे किसी लिक्विड के अंदर अगर हम डाल देते हैं तो उसके फ्रिंज इंटरफ्रेंस पैटर्न के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि क्लियरली यानी कि वन बाई डी एस सी, बाई डी एस सी मीन्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑपरेटर्स इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन व्हाट हैपन, जब इसको इसके अंदर इमर्ज कर दिया जाता है तो क्योंकि बीटा की वैल्यू थी हमारे पास बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ये थी हमारे पास रिलेशन। अब क्योंकि ना तो डिस्टेंस चेंज होगी उसकी, ना ही कैपिटल डी की वैल्यू चेंज होगी, कोई चेंज नहीं किया हमने, कोई डिस्टेंस चेंज नहीं की, चेंज क्या क्या होगा, किस में चेंज आएगा, लैम्डा में चेंज आएगा। अब जब लिक्विड में इमर्ज कर दिया जाता है तो वेवलेंथ जो है द वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बिकम वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बिकम लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू, वन बाई म्यू टाइम्स हो जाती है वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ वन बाई म्यू टाइम्स हो गई देन बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश डी बाई डी, विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई म्यू इंटू डी, देन बीटा डैश विल बिकम वन बाई म्यू टाइम्स, यानी कि बीटा अपॉन म्यू, बीटा की वैल्यू थी हमारे पास बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, तो उस केस में हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है दैट विल बिकम वन बाई म्यू टाइम्स,
वन बाई म्यू टाइम्स हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम ये जो बाई डी एस सी, देर इज़ अनदर क्वेश्चन, अगर हम बाई डी एस सी अपरेटस में मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह, अगर हम यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, वाइट लाइट यूज़ करते हैं, देन व्हाट हैपन टू इंटरफेरेंस पैटर्न। अब क्योंकि अगर मोनोक्रोमेटिक की बजाय हमारे पास यहाँ पर पॉलीक्रोमेटिक सोर्स है, यानी कि वाइट लाइट का सोर्स है, देन व्हाट हैपन, क्योंकि अब इसमें सेवन कलर की लाइट होगी। सेवन कलर का मतलब ये हो गया कि देयर आर डिफरेंट वेवलेंथ्स, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकलेगी यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर देखिए जितने भी कलर हैं सेंट्रल पॉइंट के ऊपर क्या होगा, सभी कलर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर सभी वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट होगी। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमम विल बी वाइट, जो सेंटर में मैक्सिमम आएगी वो वाइट होगी, जबकि जो इसके इधर अगर हम बात करें जहाँ डार्क फ्रिंज की बात आती है, अब क्योंकि हो सकता है किसी कलर के लिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस, क्योंकि अब वेवलेंथ अलग अलग है, तो वेवलेंथ अलग अलग है तो किसी कलर के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल हो सकता है, और किसी कलर के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई टू का मल्टीपल हो सकता है। अगर लैम्डा का मल्टीपल है तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, और लैम्डा बाई टू का मल्टीपल होगा पाथ डिफरेंस तो वो डेस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। इसका मतलब जिस कलर की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी यहाँ पर वो तो प्रेजेंट हो जाएगा, और जिस कलर की जिसके साथ डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो एब्सेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डार्क फ्रिंज अपीयर नहीं होगी, यहाँ पर वही कलर अपीयर होगा जिसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सिमिलरली अगले पॉइंट के ऊपर भी, अगर इसके लिए लैम्डा बाय टू था तो अगले वाले के लिए लैम्डा हो सकता है उस कलर के लिए, तो वो कलर प्रेजेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल इन इफ वी यूज पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि वाइट लाइट सोर्स अगर हम यूज करते हैं, देन सेंट्रल मैक्सिमम विल बी वाइट, वेयर एज अल्टरनेटिव कलर्ड फ्रिंजेस अपीयर ऑन द स्क्रीन। इसके इस स्क्रीन के ऊपर ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी जो कलर्ड फ्रिंजेस हैं वो अपीयर होंगी, मतलब सेंट्रल फ्रिंज तो मैक्सिमम वाइट आ जाएगी और इसमें कलर्ड फ्रिंजेस अपीयर होंगी ऑन द स्क्रीन। कलर्ड फ्रिंजेस विल अपीयर इफ वी यूज वाइट लाइट एज कंपेयर टू मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अब अगर इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करना है तो क्योंकि जितनी भी ब्राइट मैक्सिमम होंगी या ब्राइट फ्रिंजेस होंगी दे आर ऑल ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, इनकी इंटेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। तो अगर ये सेंट्रल पॉइंट है तो यहाँ पर अपीयर हुई हमारे पास, अगर इधर हम लेते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इधर ले लेते हैं पाथ डिफरेंस या फिर फेज डिफरेंस। चलिए मैं पाथ डिफरेंस के साथ प्लॉट करता हूँ, पाथ डिफरेंस। अब जीरो के ऊपर जब पाथ डिफरेंस जीरो था तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम अपीयर हुई लाइक दिस, ये सेंट्रल मैक्सिमम, और इसके बाद लैम्डा बाय टू के ऊपर मिनिमम, और लैम्डा के ऊपर फिर मैक्सिमम, आगे फिर मैक्सिमम आएगी। ये जो इंटेंसिटी है ये सेम रहेगी, ये ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो सेम आएगी इस तरह से। ये यहाँ पर ये आ गया हमारे पास लैम्डा, फिर थ्री लैम्डा बाय टू के ऊपर फिर मिनिमम इस तरह से, ये थ्री लैम्डा बाय टू और ये टू लैम्डा। सिमिलरली इधर अगर हम चलते हैं तो इसमें भी वही लैम्डा बाय टू के ऊपर हमारे पास फिर ये लैम्डा बाय टू और ये लैम्डा, आगे फिर इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। दिस इज इंटेंसिटी पैटर्न, लैम्डा आ गया, ये थ्री लैम्डा बाय टू के ऊपर फिर मिनिमम और टू लैम्डा के ऊपर फिर मैक्सिमम, इस तरह से चलता जाएगा। और फेज डिफरेंस में देखना है, अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं इसी की, तो जीरो के ऊपर जब फेज डिफरेंस जीरो होगा सेंट्रल मैक्सिमम होगी, और ये आता था हमारे पास पाई के ऊपर, क्योंकि जब फेज डिफरेंस पाई होगा तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू, और ये आ गया टू पाई, ये पॉइंट टू पाई, ये
थ्री पाई बाई टू। सॉरी थ्री पाई, और ये हो जाएगा फोर पाई। सिमिलरली इधर जीरो पाई, टू पाई, टू पाई के ऊपर मैक्सिमम दोबारा, थ्री पाई के ऊपर फिर मिनिमम, फोर पाई के ऊपर फिर मैक्सिमम। तो फेज डिफरेंस के साथ ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज द इंटेंसिटी पैटर्न। मोस्टली इंटेंसिटी पैटर्न भी पूछ लिया जाता है इसमें कि ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है। फेज डिफरेंस के साथ, दिस इज द फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस में स्केल लेते हैं तो ये आ जाएगी, और पाथ डिफरेंस में स्केल लेते हैं तो ये आ जाएगी, ठीक है।